जो बूथ के कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी आज ये बैठक रखी गई है। बहुत ही जल्दी गांव-गांव ढाणी ढाणी के दौरे हमारे प्रत्याशी के द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा पूरे जिले के अंदर किए जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव का जो है मन जनता ने बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से झूठे वादे जनता से किए थे वो आज फेल हो चुके हैं। और बात करें मोदी की गारंटी, तो मैं कहना चाहूँगा जो मोदी की गारंटियाँ थी वो तो फेल हो गई। अच्छे दिन की गारंटी थी, फेल हो गई। डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता करने की गारंटी फेल हो गई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की गारंटी फेल हो गई। काला धन लाने की गारंटी फेल हो गई। किसान की आमदनी की दुगनी करने की गारंटी फेल हो गई। हमारे डॉलर रुपया बराबर करने की गारंटी फेल हो गई। भारत को विश्वगुरु बनाने की गारंटी फेल हो गई। तो गारंटी बची कहाँ है, किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं? और गारंटी देते जब प्रधानमंत्री थे तब, आज तो कुछ भी नहीं है। आचार संहिता लग चुकी है, जनता सब जान चुकी है। इन लोगों ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड शुरू किए। बॉन्ड के माध्यम से लोगों से रिश्वत ली। जिन लोगों ने बॉन्ड दिए उनको टेंडर दिए, जिन लोगों ने टेंडर लिए उनसे बॉन्ड लिए, उन कंपनियों से बॉन्ड लिए जिनकी जितनी वर्थ नहीं है। सेल कंपनियाँ हैं जो फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, उनसे इन्होंने चंदा लिया, उनसे चंदा लिया जिनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार से देश के अंदर ये जो लोग काम कर रहे हैं वो जनता के सामने आ गया है। देश के संविधान को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस सभी जो वर्ग हैं, इन सब का खून पीना चाहते हैं ये लोग। इन सब पे राज करना चाहते हैं और कुछ उद्योगपति मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। भाई साहब, जिससे डॉक्टर करण सिंह जी कह रहे हैं मेरी राजनीतिक हत्या कर दी कांग्रेस ने, वो बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने, कह सकते हैं? कांग्रेस ने 2 बार विधायक बनाया, कांग्रेस ने 2 बार सांसद बनाया, कांग्रेस ने 2 बार अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का, 20 सूत्री कार्यक्रम का चेयरमैन बनाया। तो हो सकता है अब इनको लग रहा होगा कि कांग्रेस ने हत्या की। कांग्रेस ने कोई देने में कमी नहीं छोड़ी। आज खुशी होती कि वो कहते कि क्षेत्र के इस बच्चे को, उस क्षेत्र ने जिसने सदा डॉक्टर करण सिंह जी का सहयोग किया है, साथ दिया है, उनको आगे बढ़ाया है, आज उस क्षेत्र का एक नौजवान युवक अगर सांसद का चुनाव लड़ता है तो डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देना चाहिए था। डॉक्टर साहब हमारे सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं, सदा उन्होंने इलाके की भी सेवा की है। कांग्रेस ने हमेशा उनको बहुत कुछ दिया है। तो आज आदमी ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि मैं लेता ही रहूँ, कभी देने का भी समय आता है। ये राजनीति है, हो सकता है आगे कहीं डॉक्टर करण सिंह जी को और पार्टी कहीं मदद करती। अब बीजेपी को टिकट दे रही है क्या? आज वो कह टिकट के नहीं मिलने से गए हैं, तो आज भूपेंद्र यादव की टिकट बदल के डॉक्टर करण सिंह को दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ उनको जाना चाहिए। आज कांग्रेस ने जिसने सब कुछ दिया और आज उस पर संकट की घड़ी है, ऐसे समय में वो लोग जो कांग्रेस से जिन्होंने लिया ही लिया है, आज वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनसे पार्टी कमज़ोर होने वाली नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। नेता पार्टी बदलते रहेंगे लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी नहीं बदल रहा। वो मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा है, कैंडिडेट के साथ खड़ा है, और हम बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगे। ये बीजेपी बहम निकाल दे, ये जो दिखावा कर रहे हैं, ये जो डोला डाली कर रहे हैं ना, ये सब इनका सबकी जनता की नज़र में आ गया है। अब डॉक्टर करण सिंह जी जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन उनकी वर्डिंग क्या थी कि हमसे ऐसा व्यवहार मत करना कि हम शरणार्थी, इसका मतलब शरणार्थियों की गिनती है वहाँ। मैं कल देख रहा था हमारे जिला प्रमुख जी कुछ बोल रहे थे, तो हमारे यहाँ के विधायक महोदय ने उनसे पता नहीं क्या कहा कि वो उनकी समझ में आ गया कि तेरी दुकान ख़त्म कर दूंगा, इस टाइप का कोई वर्ड था, कल चल रहा था सोशल मीडिया पर सारा। तो जिन लोगों की इज्जत हमेशा घर में ही रहती है, देखिए दूसरी जगह तो दूसरी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, ललित हमारा घर का है, हमारा परिवार का है, हमारा भाई है, वो जीतेगा, सब लोग उनके साथ हैं।